ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिन मामा ने मेरे से पूछा कि तुम जो मुरली सुनती हो तो किस स्थिति में बैठ के सुनती हो। मैं चुप थी, क्योंकि वैसे तो आगे कन्याओं को बिठाते, मैं भी आगे ही बैठी थी और सभी पीछे बैठते थे, पहली लाइन हमारी होती थी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो मम्मा ने कहा, देखो जब भी मुरली सुनो अव्यक्त स्थिति में अशरीरी होके सुनो और एकाग्र होके सुनो और सुनाने वाले की आँखों में आँख मिला के सुनो और उसको धारण करो। अगर एकाग्रता से नहीं सुनेंगे, दृष्टि से दृष्टि नहीं मिली होगी, तो बीच में माया क्या करेगी, ये मुरली का जो है ना भोजन वो खा लेगी, और जब वो खा लेगी तो माया हो जाएगी तंदुरुस्त और तुम्हें तो खुराक मिलेगी नहीं, केवल बैठ के सुन रही हो तो तुम पड़ जाएंगी कमजोर। तो माया खा के तंदुरुस्त होके फिर तुम्हारे ऊपर लड़ाई करेगी, वार करेगी। जैसे मामा ने कहा, कोई ड्रिल टीचर होता है, जब वो ड्रिल कराता है तो करने वाले बिल्कुल अटेंशन से उसी तरफ ध्यान रखते हैं। अगर उनकी नज़र इधर उधर चली गई तो वो वैसा ड्रिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी समझ में आया है कि हमें मुरली के टाइम पर किस प्रकार से और किस अवस्था से मुरली को सुनना है।